के साथ मैं मंजू तिवारी एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने नए चैनल पर एक न्यू वीडियो के साथ। सो हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपना प्यार और विश्वास हमारे साथ यहाँ भी बनाकर रखेंगे और हमारे फर्स्ट होम पर भी आ जाइए। वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी गीत, अच्छी अच्छी कहानियाँ और ब्लॉग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप सबको तमाम तरह की जानकारियाँ, मतलब देसी नुस्खे से दवाओं से रिलेटिव या कोई भी तरह की जानकारी आप चाहते हों, शादी विवाह, मतलब किसी भी तरीके की जो कुछ भी, हमें जितना नॉलेज है उतना बता ही सकते हैं आप लोगों को कि मतलब दातुन करने के क्या नियम है, कहाँ करना चाहिए, कौन सी दिशा में आना जाना चाहिए, मतलब सब कुछ मैं यहाँ पर आप सबको बताती हूँ। और आज मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी छठ माता की, जो ललही छठ होती है, उन्हीं की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं अपने फर्स्ट होम पर जो कहानी हो अवधी भाषा में सुनाती हूँ, वहाँ पर लोग काफ़ी हद तक पसंद करते हैं, लेकिन कुछ जो बाहर के लोग हैं वो लिखते हैं, दीदी बातें तो मतलब ये चीज़ तो हमें अच्छा लगा लेकिन बात नहीं समझ में आती है। इसीलिए मैंने सोचा कि इस होम पर आप लोगों को खड़ी लैंग्वेज में कहानी सुनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि कहानी पसंद आएगी। प्लीज़ कहानी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करना, जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू आते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक मिले और हम आपसे हमेशा मिलते रहें। तो जो ललही छठ होती है, भादव की छठ, वही कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। पूजा के टाइम में कहानी कही जाती है और आप लोग जानकारी पाना चाहेंगे पूजन विधि कैसे है तो मैंने फर्स्ट चैनल पर शेयर किया है। कुछ चीज़ें छूट भी गई होंगी तो मैं यहाँ पर भी शेयर कर सकती हूँ। अरे बुआ, तो ऐसा था तो एक पंडित थे, एक नगर था, एक पंडित एक पंडिताइन वहाँ पर रहते थे और बहुत तरह के लोग वहाँ पर रहते थे। तो ब्राह्मण लोग थे, अक्सर ब्राह्मण कास्ट में क्या होता है ना कि मतलब कुछ पूजा ऐसी होती है जो ब्राह्मण जाति में होती है, अन्य जाति के लोग नहीं करते हैं, नहीं मानते, मतलब मानते क्या है उनके यहाँ जब जो परंपरा हमारे दादा बाबा नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं होती है। लेकिन जो ब्राह्मण कास्ट के लोग होते हैं वो अपनी परंपरा जीवित रखते हैं, जो हमारे दादा बाबा हमारी दादी माँ करती हैं, हमारी नानी, मतलब कोई भी करते हैं वो चीज़ हम अपने कायम रखते हैं, वो चीज़ हम करते हैं। तो एक नगर था, वहाँ पर एक पंडित पंडिताइन रहते थे और पंडित पंडिताइन के जो है बस इतना ही होता था कि खाने भर का भगवान दे देते थे, इससे ज़्यादा होता नहीं था। दिन भर पंडित जी पूजा कथा कह करके घर आते थे और खाते पीते थे। तो बेटा और एक बहू भी था, तो जो है घर में ऐसे तैसे चल रहा था, बहुत तो मतलब दिक्कत होती थी। पंडित को कुछ खेती बाड़ी नहीं थी तो पंडित जी कहते थे कि पता नहीं हमारे दिन कब कटेंगे कब नहीं कटेंगे, और हमारा जीवन ऐसे ही बीत रहा है। दिन भर मांग के लाते हैं तो सुबह शाम का भोजन चलता है, उसके बाद फिर हमारा वही काम है, मांग के क्या लाना पड़ता है, कथा पूजा जो भी मिल जाती है भगवान की कृपा से वही में जो है हमारा पेट चल रहा है। कभी हम आगे भी बढ़ेंगे क्या, कभी हमको जो है इससे छुटकारा भी मिलेगा, भगवान हमें भी कुछ खाने से ज़्यादा देंगे जिससे दो दिन का डेवड़ा बना रहे हमारे घर में और चलता रहे। तो पंडित जी एक बार गए गांव में घूमने के लिए और एक आदमी ने कहा, पंडित जी इस बार हम आपको चावल नहीं देकर के धान देना चाहते हैं। तो पंडित जी तो सोचे कि देखिए एक टाइम का भोजन हमारा कम हो जाएगा, क्या करें क्या ना करें। पंडित जी बहुत सीधे स्वभाव के थे, पंडिताइन बहुत चंचल स्वभाव की थी। तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप हमें धान दे सकते हैं। तो जब पंडित जी धान लेकर के आए और अपनी पत्नी से बोले, यानी कार्तिक का महीना था जब धान की पिटाई होती है तो खरिहान दिया जाता है पंडित लोग को, या मतलब धोबी को या सब जात को खरिहान दिया जाता है हमारे यहाँ। तो वही चीज़ पंडित लेकर के आए और पंडिताइन से बोले कि पंडिताइन इस धान को आप कोठिला में रख दीजिए और जब इस बार बेरन की सीजन आएगी तो हम धान की बेरन डालेंगे और किसी से खेत मांग करके धान एक आध बीघा लगा देंगे तो हमारे घर में भी किसरा हो जाएगा अनाज पानी। तो पंडिताइन ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो जो है पंडिताइन धान ले जा करके रख दी कोठिला में। अब ऐसे दो चार घर उनको धान मिल गया और जो है पंडित जी ला ला करके देते, पंडिताइन कोठिला में रखती जाती। तो ऐसे तैसे मान लीजिए खाने पीने का होता। तो एक आध दिन पंडित बोल रहे थे कि अगर किसी दिन मान लीजिए हमारे घर अनाज नहीं है, थोड़ा कम ही खा के दोनों टाइम का काम चला लेना पंडिताइन, लेकिन धान जो है निकालना नहीं, कूटना नहीं, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। और एक अच्छे इंसान ने बोला है कि आपको एक बीघा खेत देंगे महाराज, आप धान लगवा लीजिएगा, जो भी मर मजूरी होगी वो भी सब हम कर देंगे आपका इंतजाम, तो आपके घर भी टेढ़ा बना रहेगा, नहीं तो आपको डेली पूजा कथा करने जाते हो, डेली जाते हो, सुबह शाम खा करके खत्म कर देते हो। तो पंडित जी ने कहा चलो ठीक है, पंडिताइन ने धान रख दिया। लेकिन पंडिताइन की आदत ये थी कि घर में बच्चे भी थे यार, फैमिली थी, तो मतलब ये एक आधा अधूरा मान लीजिए बड़े लोग खा सकते हैं लेकिन बच्चे या कोई तो नहीं खा सकता है। पंडिताइन जिस दिन कम पड़ता उस दिन थोड़ा सा धान कूट करके चावल बना देती और जो है नमक चावल लोग खा लेते जिस दिन कम पड़ता, बाकी का तो पूजा से हो जाता था। तो धान जो है भूसी ले जा करके धान को बाहर निकाले, भूसी उसी
कोठली में डाल देती थी। तो ऐसे तैसे चलता रहा। जब जून जुलाई का महीना आया और जो है पंडित जी ने कहा कि उसके बाद अगस्त महीने में भादों में छठ भी आती है, तो पंडित जी ने कहा पंडिताएं क्या करिए कि पंडित जी बाहर बैठे हुए थे और बोले कि पंडिताएं पंडिताएं यहाँ पर आइए। तो कहीं कि ठीक है आ रही हूँ। तो जब आई बाहर तो बोले क्या है, बोले कि धान लाओ देख लेते हैं, उसका हम बेरन जो है डाल देंगे और अब सीजन आ गया है धान हमको लगाना है। पंडिताएं ने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब पंडिताएं पड़ गई पूरे धर्म संकट में। तो बोले कि ठीक है मैं भी आती हूँ। तो पंडिताएं जो है वहाँ से पिछवाड़े की तरफ गई और जा करके अंदर घुस गई और सोचने लगी। तो कह रही हैं कि हे छठ माता आपका दिन आ रहा है, आप कोई तरकीब बताइए या मेरी चोरी अगर पकड़ी ना जाए मैं फंसूँ ना तो मैं आपका छठ व्रत बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। और व्रत तो वैसे भी मैं रखती हूँ माँ, लेकिन मेरी गलती को आप क्षमा करना क्योंकि मैं बच्चों को अपने और परिवार को भूखा नहीं रख सकती थी, इसीलिए मैंने वह चावल धान खा लिया, भूसी ही रह गई है, मैं पंडित को क्या जवाब दूँ। तो जो है पंडिताइन जब उधर गई तो उनको सूझा कि पीछे बधी हुई थी पिछवाड़े एक पंडिया। तो उसके बाद पंडिताइन को सूझा कि मैं अब घर में जाके कुछ नया कर लेती हूँ जिससे बचाव भी हो जाएगा, पंडित जी डांटेंगे भी नहीं। तो गई और चूल्हे की राख और तावे की राख को लेकर के पूरा अपने मुखड़े में अच्छे से लगा लिया, हाथ पैर में लगा लिया और पंडित जी का कुर्ता धोती पहन करके कांध पे गमछा रख करके और सिर पर एक हाड़ी रख करके आई और जो पंडिया बैठी हुई थी उसी पर बैठ करके बाहर आ गई। तो पंडित जी से बोली, पंडित जी बोले आप कौन हैं? तो जो नहाई है तो कहा कहीं कि कह रही है पंडिताइन कि आवत ही हाड़िका ओढ़े यही हाड़िका चढ़ी यही पाड़िका नाम है चाड़िका और जवन कहीं वही करा ना है तुम्हार जेठ बेटवा या जेठ बाढ़ा ले लूँगी मतलब ऐसा करके। तो देखिए मुझे अपनी भी लैंग्वेज इधर उधर आ जा रही है बात करने, बच्चे भी इधर हैं। तो बोले कि कौन हो माता आप? अरे एक बार फिर कहीं ओढ़े यही हाड़िका चढ़ी है पाड़िका नाम है चाड़िका, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं आपका जेठ बेटा या आपका बैल ले लूँगी। तो पंडित जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले नहीं माता जी ऐसा मत करिएगा, मैं जो है सोचकर बताता हूँ। या तो मतलब बोली कि आपको धान चाहिए या धान की भूसी या अपना परिवार क्या चाहिए? तो पंडित जी सोच विचार करके बोले नहीं हमको हमारा बेटा और हमारा बैल भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए, हमको धान नहीं चाहिए। पंडित जी ने बोला पंडिताइन से, तो पंडिताइन ने कहा चलो ठीक है, मतलब वो जो बनी हुई थी कहा चलो ठीक है। तो फिर वहाँ से पंडिताइन बुला रहे हैं, इतने में जो है पंडिताइन अपना पड़िया को पीछे आगे करके चली गई, पड़िया पीछे बांध करके घर में गई और दस पाए बोल रही हैं अरे आ रही हूँ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, क्या बात हो गई, आ रही हूँ धान निकाल रही हूँ कुठले से जो है, तो धान निकाल रही हूँ आ रही हूँ। तो कहें नहीं पंडिताइन आइए पहले, मेरी बात नहीं है बहुत जरूरी बात है, आप जल्दी से आ जाइए। हाथ मुँह धो के अपना साड़ी पहन करके पंडिताइन आई और चारपाई बगल में बैठ गई। बोली पंडित जी क्या बात है इतना आप उतावले क्यों हो गए, मैं धान तो निकाल ही रही थी। तो पंडित जी बोले कि नहीं हमको धान नहीं चाहिए और आप हमारी पहले बात सुनिए। तो कहें क्या है बोलिए। तो कहें कि जो है ऐसे एक आई थी अभी जो है आपने देखा नहीं, मैं बुला रहा था और मैं जब आंखें बंद करके खोला तो चली गई हैं, एक जो है भैंस की पड़िया थी उसी के ऊपर बैठ करके आई हैं, अब बोल रही थी कि। तो पंडिताइन ने कहा कि जब उन्होंने क्या कहा आपने क्या माना, तो उन्होंने कहा कि ओढ़े यही हाड़िका चढ़ी यही पाड़िका नाम है चाड़िका, अगर आप अपने धान की भूसी से प्यार करते हैं, धान से प्यार करते हैं, धान पाना चाहते हैं, और नहीं तो मैं आपका जेठ बेटा या जेठ जो है या तो बैल ले लूँगी छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहें क्या बोले आप? कहें मैं बोला कि नहीं पंडिताइन मुझे मेरा जेठ बेटा मतलब परिवार और हमारा बैल दोनों चाहिए, हमको धान नहीं चाहिए, ना तो हमको धान लगाना है, मैं मेहनत करके परिश्रम करके अपना चला रहा हूँ, जैसे तैसे हमारा जीवन बीत जाएगा लेकिन हमको जो है नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, मैंने बोल दिया ठीक है। तो पंडिताइन कहें कि ठीक किए आप, बहुत अच्छा किए, अगर बेटा चला जाता तो बेटा नहीं मिलता और बैल चला जाता तो बैल भी मान ली वो नहीं मिलता, दूसरा भले मिल जाता आपको पैसे से लेकिन वो बैल नहीं मिलता, आपने बहुत अच्छा किया, छठी माता की कृपा से जो है आपके मन में बस गई और आपने मान लिया तो जो है बहुत अच्छा किया। तब तक एक बगल के आदमी आए और बोले कि पंडित जी कहें क्या, कहें हमने धान लगवाया था हमारे यहाँ बेरन बहुत सारी बच गई है, अगर आपको खेत बना है कहीं किसी ने दिया है तो आप लगवा दीजिए। तो पंडित एकदम प्रसन्न हो गए और जा करके वो बेरन खेत में डलवा दिए, तो उनको दुगनी तिगनी पैदावार जो है धान में हुई और मतलब अच्छी लगत लगाए, अच्छा काम हुआ उनका पंडित जी का छठ माता की कृपा से। और भादव की जब छठी आई तो उन्होंने अपनी बहू के साथ अपने बच्चों के साथ अच्छे से गाजे बाजे के साथ छठी मैया की पूजा की, नहीं लगे छठ माता की,
पूजा किया पंडितायन ने, और फिर जो है पंडित को पूरी सच्चाई बताई। तो पंडित ने कहा आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया, कोई बात नहीं है, कभी कभी जो है कोई झूठ भी ऐसा होता है जिससे बहुत अच्छा हो जाता है और कभी कभी सच भी झूठ बन जाता है। तो पंडितायन आपने कोई गलती नहीं की है, भगवान ने हमें देखिए धान आपने अपने परिवार को खिलाया था, ऐसा तो नहीं है कि आपने फेंक दिया था या कोई गलत काम किया था, कोई बात नहीं है, आपने बहुत अच्छा काम किया था। तो ललही छठ मैया ने आपकी भी बात सुन ली और हमारी भी मर्यादा रख ली, हमें जो है धान दुगना पैदा हो गया, ऐसे अगली बार अपना गेहूँ सब कुछ का इंतजाम कर लेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ललही छठ माता की यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करना, जो भी भाई बहन चैनल पर न्यू आते हो यार प्लीज़ हमारे फर्स्ट और सेकेंड होम पर आप सभी का वेलकम है, आइए और अपना कमेंट करके हमें बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, जो कुछ भी आपकी राय होगी हम अपनी तरफ से वीडियो बनाकर पूरी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की या सुनाने की। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय छठ मैया।